आप अभिषिक्त हैं। पहला योहन्ना अध्याय 2 वाक्य 27 में लिखा है, जो अभिषेक तुमने उससे पाया है वह तुम में बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि यदि आप नया जन्म पा चुके हैं और मसीह में बने रहते हैं तो आपके पास यीशु के समान अभिषेक है। अभिषेक पवित्र आत्मा द्वारा किसी को भी दिया जाने वाला एक विशेष दान है। इस अभिषेक से चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने की क्षमता उत्पन्न होती है। शैतान झूठा है और सभी झूठों का पिता है। वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने भी हम पर आरोप लगाता है। यदि हम नहीं जानते कि हम मसीह में कौन हैं, तो हम आसानी से शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेंगे। जब वह हमें बताता है कि हम बेकार हैं, कि हमने बहुत से भयानक काम किए हैं ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल ना कर सके, तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। याद रखें कि आप केवल सामान्य रूप से नहीं बल्कि परमेश्वर की छवि में बनाए गए थे। एक विशेष अभिषेक है जिसे परमेश्वर ने आपके अंदर उसके राज्य के लिए उत्कृष्ट और अविश्वसनीय चीजें करने के लिए रखा है। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, लेकिन यह अभिषेक स्वचालित नहीं है। इसे शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए आपको इसे हर दिन जोर से बोलना चाहिए। अपने शब्दों से आप उन चीजों को अस्तित्व में ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मैं परमेश्वर द्वारा उस स्तर पर महान कार्य करने के लिए अभिषिक्त किया गया हूँ जिससे दुनिया परिचित नहीं है, और यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं आत्माओं को उस स्तर पर जीतने के लिए अभिषिक्त हूँ जिससे दुनिया परिचित नहीं है, और यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उस स्तर पर प्रार्थना और स्तुति करने के लिए अभिषिक्त हूँ जिससे दुनिया परिचित नहीं है। मैं उस स्तर पर प्यार में चलने के लिए अभिषिक्त हूँ जिससे दुनिया परिचित नहीं है। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन।